आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। विद द यूजुअल नोटेशन इन ट्राइंगल एबीसी, लेट एंगल जो ए है वो 60 डिग्री है, ठीक है। बी और सी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में बोला है इफ द वैल्यू ऑफ समेशन ए प्लस बी इंटू कॉस सी ये इक्वल टू पी प्लस टू रूट क्यू है, तो पी और क्यू आपस में नेचुरल नंबर है, देन पी प्लस क्यू की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। बेसिकली यहाँ पे चाहिए क्या अपने को, ए प्लस, यहाँ से पूछा है ए प्लस बी इंटू कॉस सी का समेशन। इसका समेशन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि बारी बारी से यानी थ्री टाइम्स, यहाँ तो ए प्लस बी आ गया, एंगल आ गया कॉस सी, ठीक है। अब आएगा बी प्लस सी, एंगल में आएगा कॉस ए, सी प्लस ए इंटू आएगा कॉस ऑफ बी, ठीक है। समेशन का मतलब हुआ ऐसे थ्री टर्म्स का सम। अब इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये आया ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, ठीक है, प्लस सी कॉस बी, प्लस में आ गया ए कॉस बी। अब यहाँ पे अपने को पता है कि ए कॉस बी और बी कॉस सी इसमें क्या रिलेशन होता है, ये देखिए, अगर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए की बात करूँ मैं तो ये होता है मेरा सी। ये कैसे, हम जानते हैं कि जैसे कॉस बी क्या होता है, कॉस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी होता है, ठीक है। प्लस अगर बी इंटू कॉस ए का फॉर्मूला लगाया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ठीक है। तो ये मेरे पास जैसे ए से ए कैंसिल आउट हुआ और बी से बी कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर एलसीएम में आ गया टू सी, तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एलसीएम में आ गया टू सी, तो इससे ए कैंसिल आउट, इससे ए कैंसिल आउट, ठीक है। तो टू सी स्क्वायर अपॉन टू सी, दैट मीन्स आ गया सी। तो हेंस हमें पता है कि ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि ए कॉस सी प्लस सी बी कॉस ए, अगर यहाँ पे ए है और एंगल में बी है एंगल में ए, तो ये सी साइड आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये वाला टर्म मेरे पास बन गया ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, अगर इसको मैं देखूँ तो ये मेरे पास मिलके क्या बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है मेरे पास साइड बी, ठीक है। अब इसी तरीके से जो बी कॉस सी और सी कॉस बी, ये आपस में मिलके क्या बना हुआ है, साइड ए, और ये जो बी कॉस ए और ए कॉस बी, यहाँ से ये क्या मिलके क्या बना हुआ है, इसी तरह सी। तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, तो जो हमसे पूछ रखा है समेसन ऑफ ए प्लस बी कॉस सी, ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये हमने सॉल्व करके ए प्लस बी प्लस सी आया है, ठीक है। तो एक्चुअली हम को तीनों साइड्स चाहिए, यहाँ पे दिया गया था कि जो एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट थे बी था और एक सी था, ठीक है। तो हमें बी प्लस सी तो मिल गया रूट सम ऑफ रूट्स, तो बी प्लस सी तो आ गया यहाँ से कितना, टू रूट थ्री, ठीक है। और किसी तरीके से अगर ए मिल जाए तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, ये देखिए एंगल दिया हुआ है ए 60 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस ऑफ ए अगर फॉर्मूला लगाऊँ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसाइन रूट अपॉन टू बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉस ए यानी कॉस 60 डिग्री वन बाई टू इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, तो टू से टू कैंसिल आउट हुआ, तो बी इंटू सी की जो वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए चाहिए, ये देखिए यहाँ पे ये तो बी और सी दोनों आपस में रूट हैं, तो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बी सी, तो ये हो जाएगा सी बाय ए यानी वन, बी सी तो आ गया वन। अब बी प्लस सी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू बी सी लिख सकता हूँ माइनस ए स्क्वायर, तो वन इक्वल टू बी प्लस सी क्या था मेरा, टू रूट थ्री, तो टू रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू बी सी की वैल्यू वन माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया थ्री इक्वल टू यहाँ से आ गया ट्वेल्व माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, नाइन। हेंस ए मेरा क्या हो जाएगा, थ्री, क्योंकि प्लस का होगा क्योंकि ये मेरी साइड है, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। तो सी की जो ए की वैल्यू आ गई थ्री आ गई, हेंस जो समेसन ऑफ ए प्लस बी कॉस सी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू तो मेरी थ्री और बी प्लस सी की वैल्यू टू रूट थ्री, तो हेंस थ्री प्लस टू रूट थ्री आ जाएगा ये, तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, थ्री प्लस टू रूट थ्री, ठीक है। ये मेरा पी प्लस टू रूट क्यू था, तो पी की वैल्यू थ्री यहाँ से कंपेयर करने पर, क्यू की वैल्यू भी थ्री, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, सिक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।